पाकिस्तान के खिलाफ आया ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का तूफान। डेविड वार्नर और मिचेल मार्स ने उड़ाए पाकिस्तान के गेंदबाजों के परखच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बेंगलुरु में वर्ल्ड कप 2023 के एक और शानदार मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिचेल मार्स ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो तो बताएंगे कि आखिरकार कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने 15 छक्के जड़कर इतिहास ही रच दिया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी ऑस्ट्रेलिया के इन बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देख कर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के मुकाबले की हम टॉस की बात करें दोस्तों, तो आज टॉस जीता पाकिस्तान ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो वहीं पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे डेविड वार्नर, तो उनके साथ थे मिचेल मार्स। लेकिन यहां पर पहली गेंद पर रिव्यू के साथ रिव्यू खराब किया पाकिस्तान ने। तो इसके बाद ओवर की पाँचवीं गेंद पर कमाल के छक्के के साथ मिचेल मार्स ने अपनी पारी का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, चौथे ओवर की पहली गेंद पर हसन अली के शानदार छक्का डेविड कॉर्नर के बल्ले से भी देखने को मिला। यह भी एक कमाल का शॉट था। इसके बाद तो चौकों की तो लगातार बारिश हो ही रही थी, यहाँ पर एक के बाद एक बेहतरीन चौके देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, हारिस रॉब के ओवर में तो डेविड वार्नर का खौफ देखने को मिला, जहाँ पर नौवें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने कमाल का छक्का फाइन लेग के ऊपर से जड़ दिया और गेंद को सीधे स्टैंड के सबसे ऊपरी भाग तक भेज दिया और 98 मीटर का शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी, पांचवीं व आखिरी गेंद पर मिचेल मार्स के बल्ले से तीन बेहतरीन चौके देखने को मिले, जिसके चलते हारिस रॉब के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 24 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दसवां ओवर डालने आए इफ्तिकार अहमद की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिला, यह भी कमाल का छक्का था। इसके बाद दोस्तों, मिचेल मार्स के बल्ले से लगातार चौके निकलते रहे। उन्होंने इफ्तिकार अहमद के दसवें ओवर की चौथी व पाँचवीं गेंद पर एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दो बेहतरीन चौके जड़े। वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों पर अर्धशतक तो पूरा किया, साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन शतकीय पार्टनरशिप भी 83 गेंदों पर ही पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों, 14वां ओवर डालने आए हारिस रॉब के एक बार फिर कमाल का छक्का फाइन लेग के ऊपर से देखने को मिला डेविड वार्नर के बल्ले से। इस बार भी उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला मिचेल मार्स के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों, 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ मिचेल मार्स ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बेहद ही शानदार शुरुआत दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 15वें ओवर की पाँचवीं गेंद पर उसामा मीर की गेंद को सीधे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए भेज दिया मिचेल मार्स ने, और इस बार गेंद को सीधे 90 मीटर दूर जाकर गिरी यह गेंद। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से भी एक और कमाल का छक्का डीप विकेट के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 133 गेंदों पर 152 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन इस पार्टनरशिप को और तेजी से आगे बढ़ाया जब 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल का छक्का मिचेल मार्स के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 23वें ओवर की पांचवीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से मिचेल मार्स के बल्ले से। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे अपने शतकों की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर ने हसन अली की गेंद पर एक और कमाल का छक्का लगाया। तो वहीं पर 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्स के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस छक्के के साथ ही अब वो 94 रनों पर पहुँच चुके थे। अब दोनों बल्लेबाज बिल्कुल अपने शतक के नज़दीक पहुँच रहे थे और टीम के स्कोर को तो क्या ही कहने थे इस मुकाबले में। लेकिन इसी बीच दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की पार्टनरशिप करते हुए 200 रनों की शानदार पार्टनरशिप पूरी कर डाली। ये कमाल की पार्टनरशिप थी। तो वहीं पर इसके बाद 31वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर ने सिंगल के साथ अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। ये उनका वर्ल्ड कप का चौथा शतक था। कमाल की बल्लेबाजी रही डेविड वार्नर की और कमाल का ही उनका ये शतक था। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर मोहम्मद नवाज के एक बेहतरीन चौका मिचेल मार्स ने लगाया और उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा
पूरा कर लिया, यानी कि दो गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने शतक पूरे कर लिए। मिचेल मार्श की बल्लेबाजी की हम बात करें दोस्तों, तो उन्होंने 100 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। ये कमाल का शतक था, उनका वर्ल्ड कप का पहला शतक भी ये था उनका। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शतक के बाद 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक 77 मीटर का छक्का मिडविकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से देखने को मिला मिचेल मार्श के बल्ले से। अब तो कोई भी गेंदबाज मिचेल मार्श के सामने आने से ही कांप रहा था, खास करके हॉरिस रॉब जो कि मात्र 4 ओवर में ही 54 रन खर्च कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर उसामा मीर के सामने डेविड वार्नर ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी की, तो वहीं पर इसके बीच साइन साफरीदी की गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर साइन साफरीदी ने मिचेल मार्श को उसामा मीर के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा, जिन्होंने 108 गेंदों पर 121 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। तो वहीं पर इसके बाद साइन साफरीदी ने मैक्सवेल को भी अगली ही गेंद पर चलता कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल आए और गए, वो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेवलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद डेविड वार्नर एक छोर से लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जहां पर उनके बल्ले से कमाल के चौके व छक्के देखने को मिले। उन्होंने 41वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक कमाल का छक्का लगाकर अपने 150 रन पूरे कर लिए। ये तो अद्भुत उनकी बल्लेबाजी थी, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रन पूरे किए। वहीं पर दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर को आज कोई भी गेंदबाज रोक नहीं पाया और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। तो दोस्तों आपको डेविड वार्नर की बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।